बयान दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले ही अपने नतीजे भांप लिए थे, ये बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि 15 साल हम सत्ता में रहे पर चुनाव के दौरान नतीजे हमारे कार्यकर्ता भांप गए थे, लेकिन ये बात नेताओं को देर में समझ में आई जिसके चलते हमारी सरकार गिर गई। सरोज पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने पहले ही समझ लिया था कि नतीजे इस बार बीजेपी के पक्ष में नहीं आने वाले। तो सरोज पांडे का कहना है कि 15 साल तक हमारी सरकार रही, लेकिन जब पिछले चुनाव आए थे तब नेताओं ने ध्यान नहीं दिया समय पर, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने पहले ही भांप लिया था कि इस बार चुनाव में जीत हमारी नहीं होने वाली। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बयान पर पलटवार उन्होंने किया, कहा कि बीजेपी 5 साल पीछे चल रही है। 2018 के नतीजे पर अभी चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने 15 साल भ्रष्टाचार किया है और इसी के चलते जनता ने हमें भरोसा जताया और चुनाव में जिताया। उसकी समीक्षा के बारे में मुझे क्या पता, 5 साल बाद यदि उनको समझ आ रहा है तो बहुत 5 साल पीछे चल रहे हैं। देखिए 15 साल में उनको मौका मिला और छत्तीसगढ़ को लूटने फसोटने और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के लिए नहीं किया। हमारी सरकार आई तो उसके बाद अब 3-4 सालों में देखेंगे 1.5 लाख करोड़ रूपया आम जनता जिसमें सीधा बेचा गया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरोज पांडे ने उद्बोधन दिया और इस दौरान मामले पर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने भी अपना बयान दिया। उनका कहना है कि मैडम कल भी नेता थी और आज भी नेता है, ये तो मानना पड़ेगा कि जो नेता कहते हैं वो सही होता है। हम लोग तो कार्यकर्ता है, नेताओं से ही पूछना चाहिए। मैडम ने बताया तो मैडम तो कल भी नेता थी, आज भी नेता है, आज भी कोर ग्रुप की सदस्य है, चुनाव समिति में है, कल भी राष्ट्रीय महामंत्री थी, तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो नेता कहते हैं वो सही है। तो देखिए सरोज पांडे ने कई बड़ी बातें अपने उद्बोधन में कही थी। जैसा आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहले ही भांप गए थे कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आने वाले पिछले चुनाव में, और वैसा ही कुछ हुआ था जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इधर उनके उद्बोधन के बाद कई रिएक्शन सामने आए जिसमें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने भी बयान दिया। उनका कहना है कि मैडम जो कह रही हैं वो सही ही है, क्योंकि नेता सब जानते हैं, हम तो मात्र कार्यकर्ता हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है, सरोज पांडे कह रही हैं कि 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, लगभग अब 5 साल होने वाले हैं, 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे हमारे कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ रहे थे उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, लेकिन उस दौरान नेताओं ने ध्यान नहीं दिया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन्हें 5 साल बाद समझ में आया है, लेकिन अब कार्यकर्ता जिस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, क्या सरोज पांडे का ये बयान कार्यकर्ताओं में नाराजगी ला सकता है, या नेता उनके खिलाफ हो सकते हैं, या फिर ये एक इग्निशन बूस्टर का काम कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार जो है बूथ स्तर में समीक्षा कर रही है और उसी समीक्षा के दौरान कल दक्षिण विधानसभा की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो वरिष्ठ बीजेपी विधायक हैं और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल थे और उस दौरान इन्होंने दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान ये बयान दिया था कि 15 साल के कार्यकाल के में आखिरी में जब था तब उस टाइम कार्यकर्ता भाप गए थे कि ये स्थिति बनने वाली है, लेकिन कहीं भी नेता जो है जो जिम्मेदार है उन्होंने इसे नहीं भाप था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और सत्ता जो है बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। और उसी पर जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे, उन्होंने करारा तंज कसते हुए अपने ही सरकार के जो अपने ही पार्टी के जो नेत्री हैं सरोज पांडे, उन्हें घेरा और कहा है कि नेता बोली है तो वो सही होगा और वो हमारे कोर ग्रुप की सदस्य भी है। कहीं ना कहीं उनके अंदर की भी खींच जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। जिस लिहाजे से प्रेम प्रकाश पांडे ने इस
जिस बयान को दिया है उसमें ये साफ है कि बीजेपी के अंदर खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर सरोज पांडे इस तरीके का बयान देती हैं कि सभी के बीच में ठीक नहीं चल रहा जो भाप चुके थे, तो वही प्रेम प्रकाश पांडे ने भी इस तरीके का बयान दिया, तो वही रायपुर संभाग के जो बीजेपी प्रभारी है सौरभ सिंह उन्होंने भी कहा कि ये इतिहास हो गया है। मतलब उन्होंने इसका सीधे तो जवाब नहीं दिया लेकिन इस बयान को लेकर कहा कि इतिहास हो गया है और इस बार जो 2023 का चुनाव है उसे बीजेपी ही जीतेगी। और मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसा कि बीजेपी 10 साल 5 साल पीछे चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे बयान को लेकर राजनीति जो है अब वो तेज होती नजर आएगी। सरोज पांडे के इस बयान ने मानो एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल में मचा दिया है, क्योंकि बीजेपी के ही नेत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है कि भाप चुके थे सभी कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है और जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, और जिस तरह से देखिए पहले भी रिएक्शन आए हैं ऐसा नहीं है, बैठकों का दौर जिस तरह से तेज हुआ है, रायपुर की अगर हम बात करें लगातार बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और बीजेपी चाहती है कि एक डैमेज कंट्रोल भी हो जाए पहले से ही अगर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सरोज पांडे के इस बयान ने अब कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।